गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो मैं अपने मायके ही गई हूँ, जहाँ पे मैं अपनी ड्यूटी भी कर लेती हूँ और वहाँ पे शादी हुई तो शादियाँ भी अटेंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी सिस्टर की शादी है, हमारी बुआ जी की लड़की, ये वहाँ पे अभी हम शादी में पहुँच गए। शाम को घुटना की रस्म हो रही है जी हमारे यहाँ पे। पहाड़ी शादियाँ हमारे ऐसे ही होती है जी, बहुत ही सिंपल तरीके से होती है। ये घुटना की रस्म हो रही है, सभी दुल्हन को घुटना लगा रहे हैं बारी बारी से। घुटना की रस्म के बाद तेल शांत की रस्म होगी, फिर उसके बाद जो है फ्री हो जाएंगे, फिर पहाड़ी नाटी कर रहे हैं लोग, वही आ जाएगा, फिर उसके बाद शाम को बारात आ जाएगी। तो आप आराम से शादी का आनंद लीजिए, शादी देखिए पूरी। Oh,
बारात के बाद यहाँ पे जो है दुल्हन के लिए जो शादी का जोड़ा आता है, सुहाग का सामान, सारा गहने, शादी के कपड़े, साड़ी, सूट वगैरह, तो वही अभी पंडित जी वही सामान निकाल रहे हैं। फिर दुल्हन को वही सामान, वही जो है गहने कपड़े वही पहनाए जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं बरसोई, बरसोई का सामान। उसके बाद जो है लगन वेदी जो होती है वही होगा। ये शादी का दूसरा दिन है, शाम को अब फोटो शूट हो रहा है। सभी जो है दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो निकाल रहे हैं, गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं। उसके बाद जो है बारात चली जाएगी अपने घर को। तो हमारे यहाँ पे एक रस्म और होती है जो कि सिंदूर डालने के समय साली जो है मजाक करती है, हाथ रख देती है। सिंदूर तो असली मायने रखता है वेदी में डाला हुआ, वो वेदी में डाल दिया है, लगन वेदी में डाल दिया है। यहाँ पे साली साहिबा जो है हाथ रख देती है मांग पे कि मुझे कुछ शगुन में दिया जाएगा तब मैं सिंदूर डालने दूंगी, और शगुन में उसे जो है दूल्हे की तरफ से पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद वो सिंदूर डालने देती है। फिर यहाँ पे भी एक, ये भी एक मजाक है, रस्म है एक। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, मतलब मैंने इतनी ही बनाई है, तीसरे दिन की शादी मैंने अटेंड नहीं की थी। तो ऐसे होती है हमारी हिमाचल की पहाड़ों की शादियाँ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ख्याल रखिए आप सब अपना और अपने परिवार का। तीसरे दिन की शादी में कुछ खास नहीं होता है जो मैंने नहीं दिखाया है, दो दिन की शादी में ही दिखा दिया है मैंने जो होता है।